अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चीला मेरी स्टाइल में। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप बेसन डाल लेते हैं और एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची कश्मीरी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो तीन कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डाल देते हैं। और आप अपने पसंद की कोई सब्जी डालना चाहते हैं और तो डाल सकते हैं। तो बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं और कांदा कटा हुआ, हरी कोथमीर डाल देते हैं। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसमें आधा कप पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। देखिए हमारा बैटर एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, जितना हमको चाहिए था उतना तैयार हो गया है। अब हम एक पैन में एक चम्मच तेल डाल लेते हैं और ये बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बच्चों की टिफिन में दें और घर में भी नाश्ता कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम दो चम्मच बैटर डाल देते हैं और इसको हम फटाफट चम्मच गोल गोल घुमा लेंगे ताकि एक अच्छा सा गोल सा शेप बन के तैयार होए। अब इसे हम एक मिनट तक पकने देंगे। अब हमारे चीले को एक मिनट हो चुका है पक के, अब इसको हम पलटी कर देते हैं। पलटी करके हम इस तरीके से चम्मच से दबा देंगे ताकि अच्छे से एकदम पक जाए, ज़रा भी कच्चा ना रह जाए। अब ये हमारा चीला एकदम अच्छे से पक चुका है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा चटाकेदार बेसन का चीला बनके रेडी हो चुका है। आप इसे दही वाली हरी चटनी के साथ ज़रूर खाएं, बहुत स्वादिष्ट होता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।